सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में बैठे सत्संग जीओ वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जिमें कि बेटी ने दसिया कि धर्म के विभाग के गुरु गोबिंद सिंह चेयरमैनों पंजाब सरकार ने जो प्रोग्राम लिखे है वो हवाले पहला सैमीनार किया जा रहा है। ये सैमीनार का जो उद्देश है वह गुरु कलगीधर पातशाह की याद में साढ़े मन याद ताज़ा करना है। इस लड़ी के पहला जड़े किए गए सी प्रोग्राम जो शताब्दी आई सी उदों किए गए सी। अज असी सब तो पहला धन्यवादी हाँ विशेष तौर पर गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी पंजाबी यूनिवर्सिटी ने कि उन्होंने ये सानू थां भी दिता ते नाल सहयोग भी दिता कि वह आप इत्थे सैमीनार कर सकन कर सकी। असी जदों आपां कोई गुरपुरब मनाने आ उहदे आम तौर ते तीन उद्देश हुंदे। एक तां हुंदा है कि उस इतिहास में याद किया जाए, उस पुरब नाल जिहड़ी जुड़ी हुई हिस्टरी है जिहड़ा इतिहास जुड़िया वा उन्हें याद किया जाए। दूजा होंगे कि वो जो मैसेज है जो उद्देश है सिद्धांत है उन्होंने समझा जाए कि इतिहास को कायम रख सके। इस करके इतिहास जानना सिद्धांत जानना तो स्वै पड़चोल करना ये तीन उद्देश ने साढ़े सियाने लोगों ने बजुर्ग लोगों ने दसिया कि गुरपुरब मनाया जाता ना जिवें भाई गुरदास जी कहते भाई भगत गुरपुरब करन दे। असी इन तिना चीज़ों मुख रख के ही गुरु पातशाह का गुरपुरब मना रहे हैं। दसवें पातशाह का इतिहास सारी संगत सारे वीर भैन जानते हैं, वो बहुता दोहराने की लोड़ नहीं, ज़्यादा लोड़ सिद्धांत की होंगी है। इतिहास की अपनी लोड़ तो है पर क्योंकि इतिहास असी फिर भी किसी ना किसी गाहे बगाहे रूप में जानते रहे। मैं चंद गल दसवें पातशाह बारे करके फिर अपनी गल समाप्त करा। दसवें पातशाह हजूर असी सारे जानते हैं गुरु नानक पातशाह की दसवीं जोत ने, तो जिन्होंने गुरु खालसा पंथ को सिख धर्म को संपूर्णता बख्शी है। उन्होंने जिहड़ी शख्सियत है उन्होंने जिहड़ी देन है उन्होंने जिहड़ा मुलंकण करना है वो काफ़ी मतलब काफ़ी औखा इस मत आम तौर पर। उसका कारण यह है भी आम हालत में असी इतिहास में विचरते हैं पर कुछ शख्सियत कुछ ऐसे महापुरख ऐसे पैगंबर ऐसे गुरु होंगे जिन्हें इतिहास विचरता है। दसवें पातशाह हजूर बहुत जे उन्होंने दुनियावी उम्र की गल करिए 42 साल बनती है उन्होंने उम्र अंदाजा 66 तो लैके 2007-1708 तक 42-43 साल बनते हैं। 42-43 साल जो देखा जाए साढ़े मनुखा के पद्धर से कोई बहुते ज़्यादा नहीं होंगे, तो कई बार तो असं अपने आप को कहने कि असं हुण मच्योर हो आम हालत में होंगे 16-17-18 साल दे तक तो असं कह देना जी बच्चा है। पर जिस तरीके गुरु पातशाह की यह शानदार परंपरा है वो इस तरह की कोई बंदिश नहीं बनती कि उम्र किन्नी आदियाँ प्रसिद्धियां कहो जी ने। गुरु साहब दसवें पातशाह हजूर जिन्हों का असं गुरपुरब मना रहे हैं कल ही साहबजादा की शहादत मना के हटे हैं। हर कौम के कुछ लम्हे आ जिहड़े उहदी पूरी की पूरी धारा बदलते हैं। उस धारा के गुरु नानक पातशाह जी का प्रकाश पुरब पंजवें पातशाह हजूर के द्वारा गुरु ग्रंथ साहब जी की बीड़ नूं संपादित करना ते पंजवें पातशाह की शहादत छेवें पातशाह जी की मीरी पीरी नौवें पातशाह जी की शहादत ते दसवें पातशाह जी का खालसा पंथ सजाउणा ये कुछ खास लम्हे आ हिस्टरी विच इतिहास विच जिवें जिवें स्रोत नवें लभदे जांदे आ तिवें तिवें नवी खोज हुंदी जांदी आ। काफ़ी कुछ साडा ऐसा जिहड़ा साहित है वह चाहे नष्ट हो गया, समें दियां मारां ने वक्त ने बहुती वफा नहीं कीती साडे नाल, पर फिर भी
साढ़े को बहुत कुछ ऐसा लभ रहा कि जेड़ा साढ़े जेडे नौजवान खोजी ने इत्थे बैठे ने जां बाहर अपने यूनिवर्सिटी पढ़ते हैं उन्होंने इस खेत्र दे विच बहुत ज़्यादा काम करने की लोड़ आ। इहदे नाल गुरु पातशाह दीआं जिहड़ियां बाकी वक्खरे पसार ने वह भी सामने आते हैं, वो बड़े शानदार कवि भी ने। आनंदपुर साहब दे विच तुसीं देखो पहला पौंटा साहब सी फिर आनंदपुर, ये दो वड्डे स्थान ने जिथे गुरु पातशाह ने बहुत ज़्यादा जिहड़ा साहित है परंपरा का उहदा अनुवाद भी कराया। किन्ना भी करवाया इहदा साढ़े कोल अंदाजा तो नहीं है हुण, पर जिवें भाई साहब भाई संतोख सिंह जी कहिंदे ने भी जिहड़े सरसा नदी चरुड़े ग्रंथ ने उह नौ मण भरे सी, हुण नौ मण चार पंज गड्डिआं ते लंघे आणगे ते हिसाब ला सकदे आपां वी जे इन्ना साहित उत्थे नष्ट होया ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਊਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਲਿਖਵਾਇਆ ਹੋਊ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਇਆ। 52 ਕਵੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਇੱਕ ਧਾਰਾ ਵਜੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 64-65 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਜਾਂ ਲੇਖਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੱਭ ਲਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਅਨੁਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਲਿਖਦੇ ਸਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਅਨੁਵਾਦ ਹੋਏ, ਮੂਲਕ ਵੀ ਲਿਖੇ ਗਏ। 1695 ਦੇ ਵਿੱਚ 1695 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਗਈ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲੋਂ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਟੀਮ ਸੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੁਕਤੇ ਸਿੱਖ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਗਿਣਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੇਸਰ ਸਿੰਘ ਛਿੱਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ 1769 ਵਿੱਚ, ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ 25 ਦੀ ਦਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ 45 ਗਿਣਤੀ ਦਿੰਦਾ, ਐਗਜੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਭਾਈ ਚੋਪਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਵੇਰਵਾ ਮਿਲਦਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਸੋਰਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਾਰੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਰਹਿਤ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1699 ਵਿੱਚ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੁਛ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਮਜ਼ਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ 1695 ਬਣਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਸਾ, 1695 ਦੀ ਡੇਟ ਆ, ਵੀ ਰਹਿਤਨਾਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ, 3 ਵਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਆ। ਚਿੱਠੀਆਂ ਵੀ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੋਬਾਈਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਤਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ 4-4 ਮਹੀਨੇ ਚਿੱਠੀਆਂ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਵਾਪਸ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਦਰ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਜਾਣ ਲਈ 1.5-2 ਮਹੀਨਾ ਕੋਈ ਗਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਧਾਰਨ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੀ ਕਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਆਰੰਭੀ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਸਿਰਜਣਾ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1695 ਡੇਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੁਰਾਣੇ ਸੋਰਸ ਵਿੱਚ। ਉਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਦੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਸੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰੋਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਬਿੰਦੂ ਤਾਂ ਇਹ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਕੋਲਰਸ ਨੇ ਕੁਛ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਾਹਿਤ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਅਜੇ ਅਨਪਬਲਿਸ਼ ਪਿਆ, ਅਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਪਿਆ, ਉਹ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਧਰਮਸ਼ਾਲਾਵਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਪਿਆ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆ। ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਰੋਤ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 45 ਗ੍ਰੰਥ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਸਰੋਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਨੇ, 45 ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਐਗਜੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ 45 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 2-4 ਘੱਟ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਮੁਤਾਬਕ 40-45 ਸੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਪਬਲਿਸ਼ ਹੋਏ ਆ 18ਵੀਂ 17ਵੀਂ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਸਰੋਤ ਇੰਨੇ ਹੀ ਨੇ।
बहुत सारा स्रोत अजे अप्रकाशित पे साड़ी अपनी पंजाबी यूनिवर्सिटी 250 मैनुस्क्रिप्ट है ते हुणे हुणे डॉक्टर कृपाल सिंह जी की लाइब्रेरी आई 41 मैनुस्क्रिप्ट उहदे विच आए ने। इस तरह पदम जी की लाइब्रेरी प्रोफेसर प्रीतम जी की लाइब्रेरी 555 मैनुस्क्रिप्ट पे आ मेरे को अपने 53 मैनुस्क्रिप्ट पे आ कहने का भाव है भी किन्ने निर्मले साधुओं के डेरे ने किन्ने उदासी साधुओं के डेरे ने किन्ने सेवापंथी साधुओं के डेरे ने अजे भरे पे इस साहित्य में। जे मैं तुहानू गिणती करावां तां जिन्नी कु मैं फुले आ तां इह गिणती सैकड़े च पहुंच जांदी आ तां इहदा मतलब अजे बहुत सारा स्रोत साडे सामने नहीं। दूजा पक्ष यह है कि असीं सारा कुछ नहीं पढ़िया हुंदा एक बंदे लिए संभव भी नहीं होता सारा कुछ देखना। इस करके जो असं अपनी परंपरा की स्टडी करते हैं जो भी असं अपनी इतिहास को पढ़ते हैं धर्म को पढ़ते हैं गुरु पातशाह गुरु कलगीधर बारे पढ़ते हैं तो उदो इस तरह टिप्पणी बहुती देनी संजीदगी का प्रतीक नहीं कि इस बारे चीज़ा मिलदियां नहीं। एक तो यह भी बहुत सारा साडा साहित्य जो नष्ट हो गया जिवें पहला दस्या भी तीन रातां एक ना मैं इस टाइम ना नहीं मेरे चेते रहा आ रहा एक किताब लिखी गई थी 1971 विच ते पांडुलिपियां जलती रही किताब का नाम से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सामने एक प्रोफेसर हिंदी दे मेरे नाम को चेते नहीं इस टाइम आ रहा जे उहदे दादे पड़दादे सी जिहड़े गुरु कलगीधर पातशाह के दरबार में ग्रंथां दे अनुवाद करते हुंदे उहदे उह प्रोफेसर दे पड़दादे वगैरह गां तो गां उन्हें अपनी घर में जिहड़ी परंपरा चली उहदे बारे नोटिंग लिखी ते पांडुलिपियां जलती रही वो किताब है उहदे विच उह दसदा वी तीन दिन आनंदपुर साहब नूं अग लगी रही तीन दिन धुखदा रहा जदों महाराज ने उह थां छड्डिया अपना आनंदपुर साहब छड्डिया 1704 विच उह किला तीन दिन अग दीआं लपटां च रहा ते तीन दिन धुखण दा मतलब तुसीं आपां समझ सकदे आ वी उत्थे की कुछ नष्ट होया होगा। गुरबख्शदास उदासी गुरबख्श सिंह उदासी बने जिहड़े बाद च गुरु पातशाह नूं समा के आए ने उदासी साधु तां मन्नया जांदा इह कि बहुत सारा साहित जिन्ना भी संभव होया तुसीं इक गल देखो जदों आनंदपुर साहब नूं घेरा पिया बहुत लम्मा चिर घेरा पिया 6 महीने तां तों ज़्यादा घेरा पिया लम्मा तां जिन्ने भी उत्थे कवि ने दार्शनिक ने विद्वान ने तकरीबन सारे गुरु पातशाह ने किसी ना किसी तरीके उन्होंने थां थां पहुँचाता सिर्फ सूरमे लड़न वाले रहे उत्थे क्योंकि पातशाह चाहते सन भी जिंदा रहने बहुत जरूरी ने। सेनापति जिहड़ा लाहौर चल गया सी बाद दे विच उन्हें फिर सारी लिखिया भी उत्थे सीगा गुरबख्शदास उदासी गुरबख्श सिंह उदासी साधु सी जिहड़ा उन्हूं पातशाह ने मतलब यह समझाया भी बाद दे विच उन्हें बहुत कोशिश की। ये बारे डॉक्टर अजमेर सिंह होंगे सी अपने इतने पंजाबी यूनिवर्सिटी में उन्होंने डैथ हो गई उन्होंने एक किताब लिखी सी खोज मंथन उस एक गल लिखी दसवें पातशाह बारे लिखते हैं तो वे बारे भी बहुत सारा साहित कोशिश की गई भी पहाड़ों में पहुँचा दिता गया वे जो कि सबब बनया हालात वधिया बने तो बाद कट ले जाएंगे तो हो सकता बहुत सारिया कंधर कितने गुफावान पहुँचा दिता गया हो इस करके बहुत कुछ ऐसा जिहड़ा अजे साडे सामने नहीं आया। गुरु पातशाह की आप क्योंकि थोड़े मोटे पढ़ाई में जुड़े हुए इतने संगत है जिहड़ी बैठी है वह आप ज़्यादा गल्ल इस करके इदा दी कर रहे हैं कि इन चीज़ों जिमें जिमें शताब्दियां आ रही ने गुरपुरब आ रहे हैं इन चीज़ों लभीए प्रकाशित करिए काफ़ी कुछ स्कॉलर्स ने किया तीन चार किताबा ये आईया ने पहला पदम जी ने लिखी सी गुरु के दरबारी कवि सारे के पढ़ने वाली किताब है फिर भूषण लगता उन्होंने मैं नाम पूरा भुल गया उन्होंने किताब लिखी सी हिंदी विच गुरु दशमेश दरबार के दरबारी का दरबारी काव्य डॉक्टर हरिभजन सिंह दिल्ली वाले ने भी लिखी सी गुरमुखी लिपि में उपलब्ध हिंदी काव्य इस तरह दिया कुछ 6-7 किताबा हिंदी च ने 2-4 इंग्लिश च ने 5-10 पंजाबी च ने उन्होंने स्कॉलर्स ने काम किया पर बहुत अजे करने की लोड़ है ता कि गुरु पातशाह की जिहड़ी अजीम शख्सियत आ जिहड़ा उन्हों का अजीम मरतबा वो बहुत उच्चा इतिहास में इतिहास में गुरु पातशाह ते अजे बहुत सारे खंड ने इस महाकाव्य के जिहड़े अजे लिखण गोचरे पे ने बहुत कुछ लिखा भी ऐसी गल नहीं
बहुत सर्ग, सर्ग कहते हैं महाकाव्य का एक अध्याय, बहुत सर्ग ऐसे ने जिहड़े अजे लिखे नहीं जा सके। जिस तरह गुरु पातशाह की छवि भाई वीर सिंह जी ने, भाई संतोख सिंह जी ने, भाई प्रोफेसर पूर्ण सिंह जी वर्गिया ने पेश किया, वह लाजवाब है, वह बेजोड़ है। उस तरह के कविया ने बहुत कलम चलाई है गुरु पातशाह से। एक 100 के करीब कविया दविंदर सिंह विद्यार्थी ने इकट्ठा किया, एक कलैक्शन बनाई थी गुरु गोबिंद सिंह अभिनंदन ग्रंथ गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी से 1966 प्रकाशित हुआ। उसके बड़े ही कवि सन जिहड़े उन्हां दीआं गुरु पातशाह बारे रचनावां का संग्रह किया गया। इस तरह इस तो इलावा जिन्ना कुछ गुरु पातशाह बारे लिखा गया उसके लिए सानूं बिबलोग्राफी की भी लोड़ है। गुरु गोबिंद सिंह चेयर इस काम बारे शुरू लगी हुई है, बहुत अच्छी गल है। पहला गुरु तेग बहादुर साहब जी ते काम होया, असीं चाहुंदे हां कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज बारे भी इस तरह का काम होवे। घट्टो घट्ट जोड़ा पंजाबी ते हिंदी जां अंग्रेजी विच उर्दू विच आए तां जरूर आवे। बंगाली विच बहुत काम लिखा गया, बंगाल डॉक्टर कुरबंत सिंह गरेवाल होंदे सी उन्होंने बंगाली दे विच जिहड़ा काम होया उहदी इक बिबलोग्राफी बनाई सी, उन्होंने बंगाली बहुत अच्छी आउंदी सी। 1966 विच बहुत अच्छी बिबलोग्राफी सी। होर भी बड़े काम करने वाले ने। चलो आप दसवें पातशाह ज़्यादा टाइम समा नहीं लेंदा, मैं आप जी सारी संगत अगर बेनती करना, सतगुरु पातशाह गुरु ग्रंथ साहब जी की हजूरी बैठी सह संगत, तुसी सारे नौजवान हो, इस खेत्र जोर शोर न कार्ज करो, ताइयों असी इस शताब्दी में इन्हों दिनों मनाने लिए साड़ी तो सेवा का साडा तो विजन यही होएगा कि असी वध तो वध इस पातशाह बारे पढ़ीए, उन्हां दी अपनियां रचनावां अपनी बाणी पढ़ीए, उन्हां द्वारा अनुवाद कराई हुई रचनावां पढ़ीए। इस तरह दियां जिहड़ियां मतलब के अप्रकाशित कार्ज पिया उहनूं सामने लिआईए। इस तों अलावा जो भी कुछ उहदे ते अच्छे प्रोजैक्ट बना के कार्ज करिए। साडे सारिआं ते सतगुरु कृपा करन। भुल चुक दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतह।